हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टॉलीवुड रीप्ले। तो गाइज, तारक मेहता सीरियल से जुड़ी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज होती रहती हैं, और जो सबसे लेटेस्ट वाली कंट्रोवर्सी है वो है सोडी के पुराने एक्टर यानी कि गुरचरण सिंह को लेकर। और इस पे लेटेस्ट अपडेट्स मैं वीडियोस बनाता जा रहा हूँ। एक मैं बात करना चाहूँगा कि कल का जो मैंने वीडियो डाला था उसमें एक गलत चीज़ मैंने बोल दी थी, तो उसमें कुछ करेक्शन है। मैंने बोल दिया था कि इनकी हेल्थ के बारे में बताया इनकी वाइफ ने, तो वो एक मिस्टेक थी मेरी, बिकॉज़ इन्होंने शादी तो करी नहीं है। एंड वो गलती से मैंने बोल दिया। मेरे कहने का मतलब ये था कि इनकी फैमिली ने ये चीज़ रिवील करी कि इनकी हेल्थ ज़्यादा सही नहीं थी। तो गाइज़, अब लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं इनकी मिसिंग वाली रिपोर्ट के ऊपर, आइए उसे जान लेते हैं। ये तो हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि इनकी हेल्थ सही नहीं थी, ढंग से खाना भी नहीं खा रहे थे, बहुत सारे टेस्ट इन्होंने करवाए थे। और अब न्यू अपडेट ये है कि गाइज़, पिछले कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेस भी ये फेस कर रहे थे, यानी कि पैसों की दिक्कत भी इनकी ज़िंदगी में आ रही थी। हम सब जानते हैं कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा के इनके जो ड्यूज़ थे वो काफ़ी टाइम से पेड नहीं थे, लेकिन फिर जेनिफर मिस्त्री का जो भी कॉन्ट्रोवर्सी वगैरह हुई थी उसके बाद असित मोदी ने इनको भी ऑफिस में बुलाकर इनकी जो बची हुई पेमेंट थी, ड्यूज़ थे, वो दे दिए थे। लेकिन स्टिल इनकी ज़िंदगी में पिछले कुछ समय से फाइनेंशियल स्ट्रेस चल रहा था। और अब एक और काफ़ी बड़ा अपडेट है कि गाइज़, ये प्लान कर रहे थे आने वाले टाइम में शादी करने के लिए, यानी कि गाइज़ इनकी मैरिज को लेकर कुछ प्लान्स चल रहे थे पिछले कुछ टाइम से। और हम सब ये जानते हैं कि अप्रैल 22 को ये मिसिंग गए हैं, जहाँ पर ये दिल्ली के एयरपोर्ट में मुंबई जाने के लिए गए थे। और अब यहाँ पर जो इनकी CCTV की फुटेज मिली थी पुलिस को, तो दिल्ली पुलिस ने उसी चीज़ से हमें ये भी बताया है कि 22 अप्रैल को गुरचरण सिंह ने अपने ATM से 7,000 रुपये निकलवाए थे, जो कि दिल्ली में था। CCTV फुटेज में दिल्ली पुलिस ने ये देखा है और ये चीज़ वहाँ से कंफर्म हुई। यही नहीं, पुलिस ने उनके मोबाइल फ़ोन की लोकेशन को भी ट्रैक करा, और ट्रेसिंग इन्फॉर्मेशन के मुताबिक और उनकी मोबाइल डिटेल्स के मुताबिक वो अप्रैल 24 तक दिल्ली में ही थे, और तब से उनका फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया गया है। जो भी एक्ट्रेस तारक मेहता में इनके साथ काम कर चुके हैं, जैसे कि भीड़े के एक्टर निभाने वाले और फिर जेनिफर मिस्त्री बांसीवाल, वो सब यही कह रहे हैं काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हैं इनके इस मिस्टीरियस डिसअपियरेंस को लेकर, और वो यही चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी मिल जाएं। अब तक हम जो इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाए हैं उसके हिसाब से हमें यही बताया कि ये दिल्ली में ATM से 7,000 रुपये इन्होंने निकलवाए थे। इनकी हेल्थ अच्छी नहीं थी, इनकी फाइनेंशियल स्थिति भी अच्छी नहीं थी इस टाइम पर, काफ़ी ज़्यादा टेस्ट वगैरह करवा रहे थे और शादी करने का भी प्लान कर रहे थे। अभी के लिए हमें यही पता है, और पुलिस ज़्यादा क्लूज़ हमें नहीं दे रही, लेकिन पुलिस ने कहा था कि और क्लूज़ भी उन्हें पता चला है, सारा कुछ वो पब्लिक नहीं कर रहे हैं। जैसे जैसे चीज़ें पब्लिक होती हैं मैं वीडियोस बनाता जाऊँगा और लेटेस्ट अपडेट इस पर जो भी होगा देता जाऊँगा। होप करते हैं जल्दी से जल्दी मिल जाएँ और अपने घर वापस आ जाएँ, पुलिस को कुछ ना कुछ पता चल जाए। अपकमिंग अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए चैनल से। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।